अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपको बादशाह मॉस्क का विज़िट करवाएंगे। तो हम ये बादशाह मॉस्क जा रहे हैं, जो मैंने एरो का यहाँ पे साइन शो किया, ये मीनार पाकिस्तान था। मैंने कभी ये दोनों नहीं देखे पहले, सो ये मेरा फर्स्ट विज़िट था। ये जिस रोड की तरफ हम जा रहे हैं, ये ओल्ड लाहौर था, और जो बादशाह मॉस्क वाला रास्ता था वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। कार पार्क करने के बाद हम लोग ये शाही रेस्टोरेंट की तरफ आए। बादशाही मॉस्क हम लोग नहीं जा सके थे क्योंकि हम लोगों ने संडे का दिन चूज़ किया था और इस दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। रश बहुत था और पार्किंग बहुत मुश्किल से हम लोगों को यहाँ पे मिली थी, तो काफ़ी भूख लग चुकी थी। तो हम लोगों ने हवेली रेस्टोरेंट, जहाँ से हम लोगों ने मैंने आपको बादशाही मॉस्क का ऊपर से व्यू करवाया, यहाँ पे हम लोग ऑर्डर किया था। 20 मिनट्स तक हमें वेट करना पड़ा था, लेकिन इनकी मैनेजमेंट बहुत पुअर थी। पहले उन्होंने हम लोगों का ऑर्डर तो ले लिया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा था कि डिश आउट हो गई है, आप कुछ और ऑर्डर कर लें 20 मिनट गुजरने के बाद। सो हम लोगों ने यहाँ से बाइकआउट करने के बाद हम लोग जो इसके स्टार्टिंग में जो शाही रेस्टोरेंट था वहाँ से हम लोग ने हल्का फुल्का सा खाया। वैसे लाहौर कंपैरेटिवली सियालकोट के लाहौर के जो खाने हैं वो इतने अच्छे तो नहीं मुझे लगे थे टेस्ट वाइज, लेकिन क्योंकि उस वक्त भूख थी इसलिए हम लोगों ने हल्का फुल्का इसको टेस्ट किया था। अच्छा
करने के बाद मैंने यहाँ पे जो फूड कोर्ट था वहाँ पे विज़िट किया, और मुझे वहाँ पे एक गेट नज़र आया जहाँ से आप एक बादशाही मॉस्क की तरफ जा सकते हैं। लेकिन बादशाही मॉस्क के अंदर जाने से पहले आपको किले से गुजरना था, जहाँ पे एक लंबी लाइन लगी हुई थी। सो मैंने ये डिसाइड किया कि आज हम इसका अंदर से तो विज़िट नहीं करेंगे रश की वजह से, बट किसी और दिन वीक डेज़ में, वर्किंग डेज़ में हम इसका अंदर से, मैं आपको उसको विज़िट करवाऊँगी। इससे मैं मास्क पूछ सकती हूँ। ये जो थी लाहौर किले की बैक साइड थी। इंशाल्लाह मैं आपको अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर उसके बाद उसमें आपको अंदर से विज़िट करवाऊंगी। लाहौर में संडे के दिन PSL था, तो यहाँ पे सख्त सिक्योरिटी के इंतज़ाम थे। मैंने पंजाबी यूनिवर्सिटी, जो वीडियो में आप देख सकते हैं, फ़र्स्ट टाइम देखी थी, और मेरे ख्याल इसके काफ़ी कैंपस थे, बट ये मुझे नहीं पता कि ओल्ड है या न्यू। अगर आपको पता तो आप मुझे इसके बताएँ कमेंट बॉक्स। उसके बाद जी हम लोगों ने फोर्टो स्टेडियम से थोड़ी शॉपिंग करनी थी। मैंने वहाँ पे इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं रिकॉर्ड की, क्योंकि इस तरह फिर मेरे लिए मुश्किल था शॉपिंग करना, और वहाँ पे फैमिलीज़ भी आई हुई थी, सो मैं किसी की प्राइवेसी को वायलेट नहीं करना चाहती थी। शॉपिंग करने के बाद मैंने सोशल मीडिया में किसी ब्लॉगर ने बहुत अच्छे रिव्यूज़ दिए हुए थे, एक मैं बता किसी की रेपुटेशन तो नहीं ख़राब करूँगी, कि यहाँ की जो चाट है वो बहुत अच्छा, लेकिन ऑनेस्टली मैं लाहौर के फूड से बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ कंपैरेटिवली सियालकोट के। वहाँ की फ़ूड इतनी अच्छी मुझे नहीं लगी, यहाँ की जो चाट थी और जो राज कचौरी मैंने ऑर्डर की थी, उसने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया। तो आज की मेरी वीडियो इतनी ही थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आप मुझे कुछ रिकमेंड करना चाहते हो कि नेक्स्ट विज़िट जो है मैं लाहौर का कहाँ का करूँ, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।